पंजाब पुलिस अते काउंटर इंटेलीजेंस नूं मिली वड्डी कामयाबी। अतवादी रिंदा ते गैंगस्टर गोल्डी ब्राड दे खतरनाक साथी गिरफ्तार। बना रहे सी वड्डी प्लानिंग, पुलिस ने मनसूबे किते नाकाम। पंजाब पुलिस अते काउंटर इंटेलीजेंस वालों अतवादी मॉड्यूल दा पर्दाफाश कर वड्डी सफलता हासिल की गई है। पाकिस्तान स्थित अतवादी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा अते कैनेडा स्थित गैंगस्टर गोल्डी ब्राड की हिमायत प्राप्त पांच जणियां नूं गिरफ्तार किया गया है, जिन्हां कोलों दो विदेशी पिस्तौल समेत एक मैगजीन अते 10 जिंदा कारतूस बरामद किए ने। इन्हां दोवां नूं पुलिस ने एक विशेष ऑपरेशन दौरान गिरफ्तार किया। दस दईए कि पंजाब पुलिस वालों दो दिनों के अरसे च यह दूजा अतवादी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। केंद्रीय एजेंसियों नाल एक विशेष ऑपरेशन इन्हां दी गिरफ्तारी की गई है। तरनतारन पुलिस ने ऐतवार नूं भी कैनेडा स्थित गैंगस्टर तो अतवादी बने लखबीर सिंह उर्फ लंडा नाल जुड़े एक अतवादी मॉड्यूल का पर्दाफाश करके तीन साथियों नूं गिरफ्तार किया सी। ता हुण भी एक जानकारी पंजाब दे डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट राही सांझी कीती है, जिस विच उन्हां दस्सिया कि एक वड्डी सफलता प्राप्त करदे होए केंद्रीय एजेंसियां नाल सांझे ऑपरेशन दौरान अतवादी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। पंजाब च शांति अते सद्भावना नूं भंग करन दे मनसूबियां नूं नाकाम किया गया। पाकिस्तान स्थित हरविंदर रिंदा अते अमरीका स्थित गोल्डी ब्राड दे पांच साथी काउंटर इंटेलीजेंस दे खुफिया आधारित ऑपरेशन च हथियारां नाल गिरफ्तार किए गए ने। तुहानूं इह वी दस दईए के डीजीपी ने लिखिया, इंडिपेंडेंस डे तो पहला पुलिस वालों विशेष मुहिम चलाई जा रही है। मुढ़ली जांच तो पता लगा कि हथियारां दी खेप तो इलावा मुलजमां नूं अमरीका तो भी आर्थिक मदद मिलती रही है। पूरे अतवादी नैटवर्क का पर्दाफाश करने लई अगलेरी जांच की जा रही है। ਉੱਥੇ SSOC ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਆਪਾ ਅਧੀਨ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਰੈਕਟ, ਅਤਵਾਦੀ ਮਡਿਊਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।